डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, थोड़ा सा डिटेल में लिखा है मैंने। 2002 से लेकर 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इनके बारे में कई बार एग्जाम में ये सवाल आ चुका है, बाकी किसी के बारे में नहीं आता क्रम पूछने वाला कि 10वें कौन थे, 8वें कौन थे, 6ठे कौन थे, लेकिन इनके बारे में कई बार पूछा गया भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस क्रम के राष्ट्रपति थे। ठीक है, इसलिए मैंने स्पेशली यहां पर लिखा कि भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे। अब जब 11वें थे तो आप 10वें भी याद रख लेना आगे, वैसे मैंने क्रम बता दिया है आपको क्रम से याद रह जाएगा। भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, वैसे नॉर्मली सवाल नहीं पूछेंगे भारत के प्रथम वैज्ञानिक, पर आपको पता होना चाहिए ये ऐसे राष्ट्रपति जो राजनीति से जुड़े हुए नहीं थे, ज्यादातर राजनीति में थे, राजनीति से जुड़े हुए थे, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, ये क्या थे, वैज्ञानिक थे। उनको एक सम्मान के तौर पर यह पद दिया गया राष्ट्रपति का। ठीक है, ये जब उस समय सरकार एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उनके कार्यकाल में परमाणु परीक्षण भी हुआ था पोखरण में, उसको लीड डॉक्टर कलाम ही कर रहे थे। तो ये प्रस्ताव एपीजे अपने वाजपेयी जी ने भेजा था इनके राष्ट्रपति बनने का, कि आपको एक तरह से ये सम्मान था देश का सर्वोच्च पद देने वाला। और जब उनका प्रस्ताव नाम किया गया था कांग्रेस भी इनके सपोर्ट में आई थी, मतलब दो बड़ी पार्टियां, दोनों विरोधी पार्टियां दोनों इनके समर्थन में थी और लग रहा था कि ये निर्विरोध जीतेंगे, पर उस समय निर्विरोध नहीं हुआ था। वामपंथी पार्टी ने अपना एक उम्मीदवार उतार दिया था डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, इनके विरुद्ध में जो था डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, डॉक्टर की बजाय कैप्टन लक्ष्मी सहगल आप लिखिए इसको, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ये कैप्टन लक्ष्मी सहगल कौन थी, ये वही कैप्टन थी जब आजाद हिंद फौज में कैप्टन थी, आजाद हिंद फौज कौन सी, सुभाष चंद्र बोस की, है ना। तो उस समय जो फोर्स बना रखी थी महिला जो बटालियन थी उनको लीड कर रही थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। उसके बाद देश आजाद हुआ, उस समय 2002 में इनको राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए वामपंथी पार्टियों ने बनाया था, लेकिन क्योंकि दोनों पार्टी किनके पक्ष में थी, एपीजे अब्दुल कलाम, तो ये राष्ट्रपति बने थे बड़े भारी मतों से। 1997 में राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित भी हो चुके थे, इसके पहले भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार भी रह चुके थे जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब। जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु में। 15 अक्टूबर को कुछ घोषित किया हुआ है, कौन सा दिवस, 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस आता है, नहीं पता, वैज्ञानिक दिवस पता होना चाहिए, छात्र दिवस आता है, हमने शिक्षक दिवस पढ़ा था 5 सितंबर को, इनके जन्मदिन को छात्र दिवस घोषित कर रखा है। ठीक है ना, तो याद लिख लेना इसको, 15 अक्टूबर को छात्र दिवस घोषित कर रखा है। 27 जुलाई 2015 में इनकी मृत्यु हो गई थी, कहां पर हुई थी ये आपने देखा होगा, आईआईएम में भाषण दे रहे थे, आईआईएम शिलोंग, आईआईएम बड़ा इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में उद्बोधन देते हुए। ठीक है, मतलब विजन देखिए, नॉर्मली अब एज भी काफी ज्यादा हो गई, नॉर्मली हम देखते हैं एज तो, एक तो ये भी हो सकती है बड़े बड़े बिस्तर में डेथ होती, पर उनका देखो लास्ट मिनट भी ये क्या कर रहे थे, देश की सेवा ही कर रहे थे, राष्ट्र की सेवा ही कर रहे थे, अपना वैज्ञानिक कार्यकाल सब कुछ पूरा कर लिया, देश के राष्ट्रपति भी रह चुके थे लास्ट में जो, क्योंकि उनको पता है कि आगे भविष्य किसके हाथ में, युवाओं के हाथ में, तो युवा कैसे एक सही डायरेक्शन में जाए, सही दिशा में जाए, उनको मोटिवेट करने के लिए देश राष्ट्र सेवा, उसी समय उनको हार्ट अटैक आया और वहां पर डेथ हो गई। तो जीवन भी पूरा शानदार रहा, मृत्यु भी शानदार थी, कि अपनी मृत्यु भी किसके लिए, राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित थी उनकी। इसलिए आप देखो बाकी राष्ट्रपति आपको ज्यादा याद नहीं होंगे, लेकिन डॉक्टर कलाम को सभी जानते हैं, है ना, बाकी राष्ट्रपति के बारे में आप जाने नहीं जाने, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में सभी जानते हैं। मैंने स्पेशल उनकी कुछ बुक्स यहाँ पर लिखी है जो फेमस भी है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। जो सबसे फेमस बुक है उनकी बायोग्राफी है अग्नि की उड़ान, वैसे ऑटोबायोग्राफी खुद नहीं लिखी है, विंग्स ऑफ फायर इंग्लिश में वर्जन है, हिंदी में बोला जाता है अग्नि की उड़ान, उसका सेकंड पार्ट बाद में लेकर आए जब वो राष्ट्रपति का कार्यकाल था उस पर जुड़ी हुई थी, वो थी टर्निंग पॉइंट्स। इसके अलावा कुछ यूथ के लिए और बच्चों के लिए इन्होंने लिखी, एक लिखी इग्नाइटेड माइंड्स, एक इन्होंने बुक लिखी थी इंडिया 2020, मैंने 2020 से लगभग 12-15 साल पहले लिखी थी कि 2020 में कैसे भारत को विकसित देश बनाया जा सकता है, विकसित राष्ट्र का इनका सपना था। तो उसमें इस बुक में उन्होंने पूरा अपना विजन दे रखा था कि इंडिया 2020 एक विजन था पूरा, 2020 तो निकल चुका, हम विकसित नहीं हुए, पर उनका विजन था, एक विजनरी लीडर थे, कैसे हम क्या क्या चीजें। लेकिन आज भी देखो, आज भारत का नाम पूरी दुनिया में सम्मान से लिया जाता है, 21वीं सदी 20वीं सदी से पहले भारत को इतना सीरियस नहीं लिया जाता, अमेरिका और ये कुछ देश बिल्कुल सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन आज आज पूरी दुनिया में आज आप पॉसिबल है कि अगले राष्ट्रपति कोई भारतवंशी बने अमेरिका में भी, है ना। ब्रिटेन, मैंने आपको बताया दुनिया पूरी 19वीं सदी ब्रिटेन दुनिया पर राज कर रहा था और 20वीं सदी में पूरी दादागिरी चल रही थी अमेरिका की, इन दोनों देशों में अब कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकता है वो कहां का हो सकता है। अमेरिका की जितनी बड़ी कंपनियां उन सबके सीईओ कौन है, भारतवंशी है, भारतीय मूल के लोग ही है, वही चला रहे हैं। अमेरिका के जो टॉप टॉप आप बिजनेसमैन, ब्रिटेन के भी आप देख रहे, ब्रिटेन के जो सबसे रिचेस्ट पर्सन में हिंदुजा ब्रदर्स का नाम आता है ना, वो भारतवंशी है।
ब्रिटेन में, ब्रिटेन में तो प्रधानमंत्री भारतवंशी है, हाँ उनका नाम आ रहा है, ठीक है, गाइडिंग सोल्स, क्योंकि एक बड़े भारत में, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक तो गरीबी थी, ये थी, ब्रेन ड्रेन बहुत हुआ, भारत के जितने भी ब्रिलियंट लोग थे वो सब बाहर निकल जाते थे, वो जाकर पूरी दुनिया में बस गए, ठीक है, अब वहां पर वो सारा कर रहे हैं। पर अच्छा है, भारत की कल्चरल वैल्यू तो पूरी दुनिया तक पहुंच रही है, भारत की कल्चरल वैल्यू, ऐसा देखा कि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति जाकर वहां बन गया, पाकिस्तान भी पहले भारत का ही था, लेकिन उनको इतने अवसर नहीं मिले कि वहां पर बन गए, ठीक है। और एक ये कुछ बुक्स याद रख लेना, अग्नि की उड़ान, टर्निंग पॉइंट्स, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 और गाइडिंग सोल्स। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, अग्नि की उड़ान, किसी ने पढ़ रखी है, बहुत बढ़िया, तीन चार लोगों ने पढ़ भी रखी है। इसके अलावा ओडिशा में स्थित व्हीलर, ये इसको भी याद रख लेना, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब क्या नाम रख दिया गया, डॉक्टर कलाम द्वीप कर दिया गया, व्हीलर आइलैंड से पहले यहाँ पर प्रक्षेपण होता था, उसका नाम व्हीलर, एक अंग्रेज था उसके नाम पर रखा था, उसका नाम हटाकर अब क्या कर दिया, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया उसको।